एक तो मेरी बहू लड़ रही ऊपर, तो कार कर मेरी रेडिएटर खराब है, कार का पंगा ही पड़ गया उस तुम्हारा। देखो मैं खोल का क्या दिक्कत हुई इसमें, वो देखो चेक करो। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने एक और ब्लॉग में। तो एक नई सुबह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हाजिर हैं जी। तो आज भाई फिर से अपने साथ जिम नहीं आया है, तो मैं जा रहा हूँ। जो आप देख सकते हैं सुबह का क्या मौसम होता है, क्या शांति होती है, क्या अलग ही फील होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। कुछ लोग सो के इस फील को गवा देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता सुबह उठने का मज़ा क्या है। तो आप जल्दी उठा करो दोस्तों, अपने भतीजे दो गबरू जवान। हेलो गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, भाई घर सोऊंगा मैं, छुट्टी घर सोऊंगा। हाँ तेरी नहीं है अलग का सिस्टम है तेरा जी। मिसेस को करा दी है जी शॉपिंग, काफ़ी सारा तो 4-5 मारे मैंने सूट देगा उसनू। जाए जी मिसेस को शॉपिंग कराने, मिसेस को शॉपिंग करा दी है, खुश ही रहा। तो मिसेस के साथ आया हूँ बाजार में, उनको एक सूट लेना था, फंक्शन अटेंड करना है, तो उन्होंने करी सवेरी सवेरे पकड़ लिया आज मैं, करी सूट लेने मैंने वहाँ। चल भाई सवेरी सवेरी दिलाया उसने सूट, मैं वीडियो बना तो वीडियो में नहीं आ रही है, वो खाली मनु ना लियो है वीडियो में, इच्छा चल रही होगी। सवेरी सवेर आ तो कर दिया काम मैंने, श्री श्री कर दिया आज तो मैंने। हाँ जी एक तो मेरी बहू लड़ रही ऊपर, तो कार कर मेरी रेडिएटर खराब है, कार का पंगा ही पड़ गया आज तुम्हारा। देखो मैं खोल का क्या दिक्कत हुई इसमें, वो देखो चेक करो। उसका रेडिएटर लीक कर गया जी, कार का मर गया आज। क्यों ऑटो में बैठ कर जाओगे, जा लग रही भी ऑटो में बैठ कर जा, तो जा जा, पैसे में पनिया पैसे, मेरा साथ छोड़ कर जा रही बीच में, चल अंदर बैठ, आ जा अंदर लगी मेरे वाली। तो नहीं कह रही मैं तो ऑटो में बैठ कर जा रही, आप आते रही हो बहुत पक्के भाई। एक को तो मुकर गई एक मिनट में, कार कर मेरी भाई जी मारी दिखाऊँ। टेम्परेचर आप ही रहा थोड़ा डाउन जा रहा है, तो मैडम कह रही मैंने 10 रुपये जो, मैं तो घर जा रही ऑटो में बैठ कर। बहुत पक्के भाई साहब हैं, कोई बात नहीं के साथ ले जो ने से घर तो थोड़ी दूर रह गया। क्यों ले जाऊं ट्रैक्टर के, चल नहीं रही, घंटा हो गया बैठे इसमें, पसीने छूट गए पसीने। ये देखो जी क्या हाल है, आज बहुत बुरा हाल हो गया दोस्तों। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से गाड़ी ने धोखा दे दिया, तो क्या करें अब इसको डाउन करके थोड़ा सा अब चली जाएगी वैसे आगे डाउन ना। अब आगे डाउन आगे बड़ी दिक्कत पड़ रही है जी, गाड़ी शायद या तो कहीं कुछ लग गया कुछ है, रेडिएटर लीक होने की वजह से कूलेंट सारा निकल चुका है, तो गाड़ी बार बार हाई टेम्परेचर शो कर रही है। तो आज बिना एसी के जा रहा हूँ जब इसको रिपेयर करवाने, क्योंकि एसी चलाऊंगा तो ज़्यादा गर्म होगी, तो आज बिना एसी के ही जा रहा हूँ अभी। तो टेम्परेचर देखो आप पूरा हाई हो रखा है जी, तो चलो देखते हैं अभी क्या होएगा, अभी मैं लेके जा रहा हूँ। बड़ी दिक्कत है जी बिना एसी के तो कार चलाना बहुत मुश्किल है, बड़ी समस्या वाला काम हो गया आज तो मेरे लिए, पर चलो फिर भी देखते हैं क्या होता है जी, जाते हैं पहले रिपेयर तो करवा। पूरा हाई हो गया जी, गाड़ी मुझे रोकनी पड़ गई, चलो 10 मिनट वेट करके फिर लेके जाऊंगा, तब तक पानी चेक करता हूँ। अभी तो गाड़ी रोक के पानी पाया जी, अब देखो पानी कैसे उबल रहा है, इतने गर्म होता पूरा गर्म हो गया पूरी हीट पे है, उसके बाद चलेंगे अभी देखते हैं टेम्परेचर कितना डाउन आया नहीं आया। टेम्परेचर तो डाउन हो गया, चलो इसको थोड़ी देर अभी रोक के रखता हूँ, गर्म पंखे रुके अभी दोनों कार भी नहीं हो गया, पंखे दोनों रुके हैं जी, तो बाहर अभी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, ये पानी जितना एक्स्ट्रा पानी है इसमें सारा बाहर निकाल देना है। तो पानी कितना गर्म है आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे गैस पर गर्म कर रहे हो ना उस तरह से पानी उबल रहा है, आप देख सकते हो जैसे हमने गैस पर गर्म कर,
ऑलरेडी अपनी कार पहुंच चुकी है, कार का काम शुरू कर दिया अपने फैमिली ब्रदर ने। काफ़ी टाइम हो गया जी अंदर के हवा में बैठा हूँ आराम से, तो गाड़ी का काम हो गया, होना का भी हो गया, जो है स्पीटिंग वाली बाकी है। मैंने बोला कि चार चीज़ें बता दो बिल्कुल मिस्त्री साहब को, बोला गर्मी बहुत है तो मैं तो कम से कुछ अपनी बैठी हूँ, पता लगना चाहूँगा तो कोई फायदा नहीं कुछ गर्मी देखा ही। लो जी रेडिएटर का अपना पूरा साफ, पूरा साफ ही है भीर है, दिखाइए एक बार, दिखाइए पूरा साफ ही है। कहाँ से ब्लॉक से हो? अच्छा तो यहाँ वेल्डिंग कर दी उसने, अच्छा अच्छा इस तरह भी कर दिया है, ब्लॉकेज है, ये बुक के रिपोर्ट है सारा, चल जाएगा खुल गया सारा, चलो ठीक है जी। चलो रेडिएटर अपना रिपेयर हो गया है जी, इसके बाद अब फिटिंग में लगना है लगभग आधा घंटा, ये करवा के इसके बाद निकलूँगा मैं। आधे घंटे में कर देगा भाई हैं? चलो जी आधा घंटा कह रहे हैं भाई, आधे घंटे में हो जाएगी अपनी सफाई, उसके बाद चलाएंगे। दोस्तों बैठे बैठे आज भाई ये लोग कैसे काम करते हैं, बस चलो इनको भी सलाम ही है, मैं तो आगे आराम से बैठा ही हूँ, उसके बावजूद भी मेरी ना हो गई है, काम और पेंडिंग है, अभी मैं जी फाइनल फिलअप कर रहे हैं, पूरी अपनी हो चुकी है। भाई ने अभी कूलेंट दोबारा डाल दिया कार में, अभी भाई तो नीचे गुस्सा ही हुआ, अब तो बस मुझे लगता है सिर्फ 10 मिनट और लगने हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे, फिर भी टाइमली फ्री हो गए, मुझे लग रहा था कहीं आज मैं लेट ना हो जाऊँ। लो जी शाम के 7:30 बज चुके हैं, अभी भी हमारे मैकेनिक साहब लगे हुए हैं चेक करने में, इंटरनली चेक कर रहे हैं, अभी वैसे तो फिटिंग हो चुकी है, थोड़ा इंटरनली मैकेनिकली चेक कर रहे हैं कार को, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद चलेंगे घर जी। शाम हो गई है, लोग भी लग चुकी है। लो जी दोस्तों आज तो काफ़ी लेट हो गया, आज सारा दिन कार ने खा लिया, अब ठीक चल रही है, वैसी भी ठीक चल रहा है, दोपहर को तो इसने मेरी ना करवा दी थी, और देखो अम्बाला शहर में बारिश नहीं जी, कैंट में पूरी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले ना, यहाँ सड़कों में पानी खड़ा है, तो बस ऑलमोस्ट घर पहुँच गया हूँ जी मैं, घर पहुँच के खाएंगे खाना, क्योंकि आज सुबह खा दो रोटी खाई, दोपहर को भी दो खाई, कुछ पेट में ऐसे लग रहा है कुछ गया ही नहीं सुबह से, तो चलो बस अब घर पहुँच ही चुका हूँ जी मैं। अपना पिंड खुडी आ गया जी, पिंड खुडी, तो बापू और भाई कभी वेट कर रहे हैं मेरी खाना खाने की, उन्होंने खाया नहीं कि जब तू आएगा तभी खाएँगे, तो भी वेट कर रहे हैं जी, तो अब चलते हैं सीधा खाने पे, टूट पड़ेंगे भाई और बापू के साथ। ये लो जी आ गया अपना पिंड खुटी का मोड़, तो ठीक है दोस्तों अब पहुंचते हैं घर। लो दोस्तों सारा दिन आज तो बड़ा परेशान रहा मैं गाड़ी की वजह से, तो फाइनली चलो शुक्र है मालिक का, लास्ट में गाड़ी ठीक भी हो गई है, तो अभी आके घर खाना खाया, पहले आते ही जी मैं अब फ्रेश होकर मुँह हाथ धो के बेड पर लेटा हूँ। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ कार ख़राब होना अपना यही था जी, कार ने आज परेशान करा, तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ दोस्तों, गुड नाइट, लव यू, सब अपना ध्यान रखें, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी, इसलिए हंसते मुस्कुराते रहो दोस्तों, लव यू दोस्तों, गुड नाइट।